मौलाना फजलुर रहमान और गवर्नमेंट में डेडलॉक बरकरार है आईनी पैकेज को लेके। गवर्नमेंट का कहना है कि हमने आईनी कोड बनानी है और हमने इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना। अगर मैं इसमें मानता भी हूँ कि आप आईनी कोड बना लें, लेकिन उसके चीफ जस्टिस जो हैं वो काजी फैज ईसा नहीं होंगे। 28 साल के बाद गवर्नमेंट चाह रही है कि जस्ट लाइक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में जिस तरह पैनल ऑफ थ्री की समरी आती है, समरी मूव की जाए फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट उमंग द पैनल ऑफ थ्री और 5 सीनियर मोस्ट जजेस टू द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर फिर अपनी मर्जी का बंदा उसमें से लगाए। दूसरी जानब पीटीआई जो है वो अपना ड्राफ्ट लेके आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्कर नैन। मौलाना फजलुर रहमान और गवर्नमेंट में डेडलॉक बरकरार है आईनी पैकेज को लेके। मौलाना साहब जो हैं वो अभी तक 3 मेजर इश्यूज हैं जिनके ऊपर वो कोई फ्लैक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे। नंबर वन, मौलाना कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बेंच बनाएं जो कि जितने भी आईनी मामलात हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो बेंच सुने। 5 मेंबर बेंच होगा और चीफ जस्टिस की सप्राही में ये बनेगा। दूसरी जानब गवर्नमेंट का कहना है कि हमने आईनी कोड बनानी है और हमने इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना। कैटेगोरिकली नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एंड बिलावल भुट्टो तीनों ने यकजुबान होकर मौलाना साहब को कल की मीटिंग में जाती उम्रा में बताया है कि मौलाना साहब इस पे आपको फ्लैक्सिबिलिटी दिखानी होगी, हमने आईनी कोड बनानी है और आईनी कोड ऑब्वियसली जब बनेगी तो हम मर्जी का उसमें चीफ जस्टिस लगाएंगे, सारे मामलात आईनी वंस फॉर ऑल उसी कोर्ट में जाएंगे और वहीं पे सेटल होंगे। दूसरा जो मेजर इश्यू है या स्टिकिंग पॉइंट है बिटवीन मौलाना एंड द रूलिंग अलाइज पीएमएल लून एनपी एंड द पीपीपी, वो ये है कि मौलाना कह रहे हैं कि वेल इन केस अगर मैं इस पे मानता भी हूँ कि आप आईनी कोर्ट बना लें, लेकिन उसके चीफ जस्टिस जो हैं वो काजी फैज ईसा नहीं होंगे। इसके ऊपर भी तीनों बड़ों ने कोई लचक नहीं दिखाई अभी तक, और मौलाना साहब को कहा है कि इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। आईनी कोर्ट के ऊपर तो स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब इस ये बात आपने हमारी माननी है और आप जो आपने ये जो प्रपोजल दी है या शोशा छोड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए, ये फिजिबल नहीं है। तो लेकिन काजी साहब को लेके उन्होंने कहा कि हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि काजी साहब नई आईनी कोर्ट के चीफ जस्टिस ना हो, उनकी जगह पे हम कोई और अपॉइंट कर दें। जो थर्ड इश्यू है या थर्ड मसला है मौलाना साहब और रूलिंग अलाइंस में, वो ये है कि गवर्नमेंट की प्रपोजल है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस या 5 सीनियर मोस्ट जजेस में से कोई एक को प्राइम मिनिस्टर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करे। जो लेट 90s का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियोरिटी की बेस के ऊपर ये होगा चीफ जस्टिस का इंतखाब ऑटोमेटिक है, जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। तो ये प्रिसाइजली 1996 में ये रूलिंग दी थी गवर्नमेंट ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसके बाद से सीनियोरिटी बेसिस के ऊपर ही जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट होते हैं। तो इसको डू अवे करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 28 साल के बाद गवर्नमेंट चाह रही है कि जस्ट लाइक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में जिस तरह पैनल ऑफ थ्री की समरी आती है, समटाइम्स पैनल फोर भी है, तो उसमें से प्राइम मिनिस्टर ऑथोराइज होता है, उसके पास मैंडेट है वो ए पिक एंड चूज कर सके आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ बनाए। सिमिलरली इसमें भी वो यही चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी समरी मूव की जाए फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट उमंग द पैनल ऑफ थ्री और 5 सीनियर मोस्ट जजेस टू द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर फिर अपनी मर्जी का बंदा उसमें से लगाए। इसको लेके भी मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि इस चक्कर में आप ना पड़ें, आप 28 साल बाद जो कि एक सेट रूल है सुप्रीम कोर्ट का सीनियोरिटी वाला, उसको आप डिस्टर्ब मत करें। आप जो सीनियर मोस्ट हैं, ज़ाहिर है काजी साहब के बाद मंसूर अली शाह साहब हैं, तो वो उनको आप चीफ जस्टिस बनने दें, और अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो काफ़ी मामलात फिर आगे चल के, और मेनली कि जैसे ही आप ये तरमीम भी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अच्छा खासा प्रॉब्लम करेगा ये ऑफ़ कोर्स ऑपोजिशन इसको चैलेंज करेगी,
कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो सेट पैटर्न है डिसीजन बेस्ड ऑन 1996 के वर्डिक्ट के ऊपर, उसको आप चेंज कर रहे हैं। तो ये तीन मेजर इश्यूज हैं। इसके ऊपर ही कल जाति उमरा में बैठक हुई और बिलावल, आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, स्पेशली रिप्रेजेंटिंग द एस्टेब्लिशमेंट, एवरीबॉडी नोज दैट, वो बैठे हैं इसमें। इस पे चर्चा हुई और लेकिन कंसेंसस नहीं हुआ। जब मीडिया टॉक भी की है तो मौलाना ने कहा कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट है। वेल, इन तीन पॉइंट्स को छोड़ के रेस्ट ऑफ देम जो पॉइंट्स हैं 26 अमेंडमेंट के, जो कि टेबल होनी है नेशनल असेंबली में फर्स्ट एंड देन गोइंग टू सेनेट, तो बाकी इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं। और इवन इवन ये भी कह रहे हैं कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं कंसर्निंग द कॉमन मैन, उसको लेके तो शायद किसी का भी कोई इश्यू नहीं है, वो पीटीआई का भी इशू नहीं होगा। दूसरी जानब पीटीआई जो है वो अपना ड्राफ्ट लेके आ रही है, प्रोबेबली टू नाइट वो उसको कर लेंगे। और जो उनके चेयरमैन हैं गौहर साहब, कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात होगी, तो उनको जो हमने ड्राफ्ट प्रपोज किया है तो उनको दिखाएंगे, उसके ऊपर वो अपनी अपना गो अहेड देंगे, तो तब हम इसको शेयर करेंगे विद द गवर्नमेंट। तो मोस्ट लाइकली यही है कि पीटीआई का ड्राफ्ट तो बिल्कुल ही कंसिडर नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अपना माइंड बता चुकी है, गवर्नमेंट की इंटेंशन सबके सामने है कि वो क्या करने जा रही है। तो इन तीन पॉइंट्स में से आईनी कोर्ट, वेल मौलाना साहब इस पे मान जाएंगे, लेकिन काजी फैज ईसा के ऊपर नहीं मानेंगे। और नंबर थर्ड कि अगर इसके ऊपर वो मौलाना साहब की बात गवर्नमेंट मान लेती है तो मंसूर अली शाह साहब ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन आईनी कोर्ट में वो अपना अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाएंगे और गवर्नमेंट पूरी तरह से सेफ हो जाएगी इस हवाले से, क्योंकि आईनी मामला लाइक फरवरी 8 का जो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है उसका ऑडिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मैटर जाएगा आईनी कोर्ट में। आईनी कोर्ट में इनका अपने बंदे होंगे, तो गवर्नमेंट बड़े सुकून से ठंड करके 5 साल पूरे करेगी, अनलेस के कोई कोई बड़ी चीज़ पाकिस्तान में प्रडिक्ट करना। वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेके आप प्रडिक्ट कर रहे हैं तो आप फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानते ही नहीं हैं।